गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट में हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। अब केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हमारे जो चैप्टर में 5 लॉ हैं, इस वाले पार्ट में हम 3 लॉ की बात करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में 2 की करेंगे। तो फर्स्ट जो लॉ है वो ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कंजर्वेशन का जो लॉ है वो एंटोनियो लवोजियर ने दिया था 1789 में, ठीक है। और ये लॉ क्या था, तो ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज, कोई भी केमिकल और फिजिकल चेंज हो रहा है सब्सटेंस में, तो दी टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो टोटल मास है इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज किया ए प्लस बी रिएक्टेंट है, मिलके ये बना रहे हैं सी प्लस डी, तो इसका टोटल मास अगर 50 है तो इसका भी 50 आएगा, ठीक है ना। यानी मास जो है कंजर्व रहता है पूरा का पूरा, मास में कोई चेंजेस नहीं आता है। आपने यहां 2 केजी लेना है तो यहां पे भी 2 केजी आना है, एटॉमिक मास यू में आएगा, ठीक है ना, ग्राम में आएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, तो ये इक्वल रहता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या रहता है, इक्वल रहता है। देखिए इसको एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। हमने एग्जांपल लिया सी प्लस ओ टू बना सीओ टू, अब ये तो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का मास निकालते हैं कार्बन का, ये एक कार्बन है, सिंगल कार्बन, एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन एटम है इसलिए मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो इसको सॉल्व किया तो 12 और ये हो गया 32, कितना हो गया 44 ग्राम, 44 जी लिख दीजिए चाहे तो आप, ग्राम एटॉमिक मास। अब इस तरफ भी आप देखिए 44 ही आएगा, इक्वल रहता है टोटल मास, एक कार्बन है, एक कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन है 16, 2 ऑक्सीजन है मल्टीप्लाई 2, सॉल्व करें 44 जी, देखिए आप इक्वल आया है, आया नहीं इक्वल। इसी टाइप से एक और एग्जांपल ले लो आप, दो सोडियम प्लस क्लोरीन अणु, 2 क्लोरीन एटम हो गए, 2NaCl नमक बना, सॉल्ट 2NaCl। अब यहां पे देखिए सोडियम का कितना होता है 23, कितना सोडियम है 2 सोडियम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहे सिंगल सिंगल भी ले सकते हो, क्योंकि यहां पे भी 2 ले रहे हैं, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, फिर चाहे आप सिंगल सिंगल ले लो, आप इस तरीके से भी ले सकते हो, सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, हालांकि रिएक्शन बैलेंस होती है जैसे मैंने पहले लिखा था, ठीक है ना। ऐसे करके भी आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हो। सोडियम का हो गया 23 प्लस क्लोरीन 35.5 होता है एक क्लोरीन का। अभी यहां पे 2-2 था ना, तो हम क्या करते, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अब देखिए यहां पे इसका टोटल कितना आया, इसका टोटल आपका कितना आया 58.5, ठीक है। अब इस तरफ भी देखना 58.5 आएगा, सोडियम कितना है 1, 23 प्लस क्लोरीन कितना है 1, 35.5, टोटल किया कितना आया 58.5 ग्राम, तो देख लीजिए आप इक्वल आ रहा है, तो मास जो है टोटल इक्वल आता है। यही था आपका एंटोनी लवोजियर का जो कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ। सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये लॉ जो है जोसेफ प्राउस्ट ने 1779 में दिया। ये लॉ क्या कह रहा है,
के प्योर केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन्स, एक प्योर जो केमिकल कंपाउंड्स है वो हमेशा सम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन फिक्स रेशियो, कुछ एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तब जो है कंबाइन करते हैं तो वो केमिकल कंपाउंड बनता है। एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं हमेशा ऑलवेज जो है एक फिक्स रेशियो में ये एलिमेंट्स जो है कंबाइन करते हैं। इनका जो रेशियो होता है वेट का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। ये ही लो क्या है कांस्टेंट कॉम्बिनेशन कंपोजिशन, मतलब कि दोनों कोई भी कंपाउंड जो है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं उन एलिमेंट्स का जो वेट का रेशियो है वो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, देखो कैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं अपन। यहां पे एग्जांपल देखिए, H2O एक कंपाउंड है वाटर का। अब यहां पे हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन जो है 16 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट एक होता है, यहां पे दो हाइड्रोजन है तो दो हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, एक ही है तो 16 रहा। सिंपल रेशियो निकालो 1:8। इट मीन्स जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन करेंगे तब H2O फॉर्म होगा और ये फिक्स है। इसके लिए आपको वाटर बनाना है तो 1:8 ही लेना पड़ेगा, आप इसको चेंज कर दोगे तो वाटर नहीं बनेगा। CO2 देखें, कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16:2 हो जाएगा, यानी 12:32। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें तो 12 को आप सिंपल रेशियो में इसमें कन्वर्ट किया तो आपका ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 8 से डिवाइड करो देखे 8 बार, यानी 3:8। CO2 फॉर्म करने के लिए आपको कार्बन और ऑक्सीजन को 3:8 में ही लेना पड़ेगा तब आपका CO2 बनेगा। ये इसके लिए फिक्स रेशियो है। तो हर कंपाउंड के लिए उनका एटॉमिक वेट, उनका जो वेट है उसका रेशियो एक फिक्स रेशियो होता है। आप इसको चेंज करके वो कंपाउंड नहीं बना सकते, आपको इन्हीं रेशियो में जो है एलिमेंट्स लेना पड़ेगा तब जाके वो कंपाउंड बनेगा। यही लो कह रहा है। थर्ड लो हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लो आपको दिया था डॉल्टन ने इन 1803 के अंदर। लो क्या कह रहा है, लो कह रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट्स, जब कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, देन द मासेज ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स, तब किसी एलिमेंट का जो मास है विच कंबाइन, जो उनमें कंबाइन कर रहा है विथ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर इन ए सिंपल रेशियो, तब जो है उन एलिमेंट्स का कोई भी एक एलिमेंट है वो एक, मान लीजिए कोई एलिमेंट है जो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है तो उन कंपाउंड में उस एलिमेंट का जो रेशियो आएगा वो एक सिंपल रेशियो आएगा। एग्जांपल से आप इस डेफिनेशन को समझ जाओगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। एग्जांपल देखते हैं, देखिए हमने यहां पे एग्जांपल लिया कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके दो कंपाउंड बना रहे हैं, दो से ज्यादा भी बना सकते हैं लेकिन यहां पे दो मैं ले रहा हूं। बेसिकली इन दोनों ने आपस में कॉम्बिनेशन किया तो एक तो बना CO2 और एक बना CO, क्लियर। अब इस CO2 के अंदर देखिए रेशियो निकालते हैं, इनका मास का रेशियो कितना है, यहां पे CO2 में कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 16:2 करेंगे तो 32 आ जाएगा। चलो तो मैं डायरेक्ट 32 लिख रहा हूं, 32, ठीक है। सिंपल रेशियो करो इसको, कितना आया
3:8, ठीक है। इसका देखो कार्बन यहां पे कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है एक है, तो यानी 16। सिंपल रेशियो करो 3:4, 4 बार। अब देखिए, अब इन दोनों कंपाउंड में, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में जो एलिमेंट है इनका सिंपल रेशियो आएगा। कार्बन की बात करते पहले, कितना है 3:3 है दोनों में, यानी 3:3 कार्बन, तो कितना आ गया 1:1। सिंपल रेशियो आ गया 1:1 कार्बन एलिमेंट का। इसी टाइप से ऑक्सीजन की बात करें दोनों में, इसमें ऑक्सीजन कितना 8, इसमें कितना है 4, 8:4। सिंपल क्या आ गया 2:1, तो ये भी सिंपल रेशियो है। तो इस तरीके से सिंपल रेशियो आता है किसमें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोरेशन के अकॉर्डिंग, ये डाल्टन ने दिया था। बाकी की जो दो लॉ है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे।